माता जी के नीचे जो राक्षस पड़ा है ना वो पापा जैसा दिख रही है। मटेरियल जरा सा लगा लेकिन आइटम कितना जोरदार है। दादा मैं इसका पापा हूँ। तो वो क्या बोले, बोला कि बेटा छोरी को लेके भले मेरे माथे पे बैठ जाए पर कम से कम झूठ तो मत बोल। आप सबको प्रणाम करता हूँ, माँ जगत जननी शारदा को प्रणाम करता हूँ और चार पंक्तियों से सबसे पहले उस माँ से निवेदन करता हूँ कि थाम कर तू हाथ मेरा जीवन बना दे। वाह वाह वाह, समृद्ध मंच है, मैं छोटा सा बालक हूँ, कहीं कुछ गलतियां हो जाए तो आप नीचे बैठे ना, कहीं ऐसा नहीं कि ऊपर आके का दर्द हो। पिछले कवि सम्मेलन में खरगोन में हो रहे हो, मैं खड़ा हुआ, कवि सम्मेलन चल रहा है तो वो दो जने पांच एक मिनट बाद में दो जने आसपास घूम रहे लट लेके, यू हो रहा है। उनका दादा मैं बैठ जाऊँ क्या? नहीं नहीं तुम तो सुनाओ। मैंने कहा फिर? बोले तुम तो सुनाओ, हम तो उसको ढूंढ रहे जिन्हें तुम्हारे को बुलाया है। तो भैया आप लोग बैठे रहे, मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ कि थाम कर तू हाथ मेरा जीवन बना दे, इस अंतर मन के पतझड़ को सावन बना दे। थाम कर तू हाथ मेरा जीवन बना दे, इस अंतर मन के पतझड़ को सावन बना दे और सुखों की मरीचिकाओं में उलझा है ये मन बावरा, तो आजा मेरे चितवन को मधुवन बना दे। हालांकि मेरा जीवन पूरा पतझड़ी हो रहा है दादा, घर में अगर पंखे का बटन भी चालू करना हो तो मेरे को उछल के दबाना पड़ता है। मेरे साथ में संकट है, मेरे जीवन में मेरे को ना तो माइक बराबर मेरी हाइट का मिला ना वाइफ मिली, उससे भी बात करता हूँ तो यूं करनी पड़ती है बात। मैंने हालांकि मैं स्वाभिमानी हूँ, मैंने जीवन में कभी भी जिससे भी बात करी है सर उठा के ही करी है, क्योंकि कोई मेरी हाइट का मेरे को मिला ही नहीं। जिससे भी गर्म नहीं करी, अब कुछ कह दो कि मेरी उसने 300 की छोरी भी उससे तो यूं करता होगा बात, लेकिन वो भी उसकी माता राम के हाथ में रहती 24 घंटे, तो भी यूं करके बात करनी पड़ती है। मेरे वीडियो को ना देखना, मैं आप अभी अभी घटना जो हुई है, मैं मेला देखने के लिए गया माता जी के वहाँ प्रांगण में, अभी अप्रैल में चैत्र नवरात्रि का मेला लगा हुआ, मेले में गया तो भीड़ हो रही भयंकर, ठसन ठूस, वो कई कुछ सवारी वगैरह झाँक भी निकल रही थी तो उनकर देखे और भीड़ हो रही। मैं और छोरी को गुड़िया को लेकर के, वो मम्मी वगैरह उसकी, तो वो सब उधर शॉपिंग कर रहे, मैंने कहा छोड़ो इसको आ रहे जुलूस दिखाओ, और वो जुलूस निकल रहे मेले के बाहर, तो मैं उसको ले जाएगा तो भीड़ में मिला मेरे को दिख रहा, उसको क्या दिखा। मैं ऊंचा होकर दिखा रहा और थोड़ा आगे घुसने की कोशिश कर रहा, अब आगे नागर साहब जैसे बिल्कुल एक वरिष्ठ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ आदरणीय कुर्ते पजामे में, मैं थोड़ा सा घुसने की कोशिश करने लगा तो मेरे को इनके अंदाज में बोले कि बेटा इसका छोरी को तो घर पे ही छोड़ा था मम्मी पापा के पास में, इसको क्यों ले आया? तो मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा भाई साहब दादा मैं इसका पापा हूँ। तो वो क्या बोले, बोला कि बेटा छोरी को लेके भले मेरे माथे पे बैठ जाए पर कम से कम झूठ तो मत बोल। मतलब ये विडंबना है, मतलब पिछली बार एक कार्यक्रम में गए आप समझना, मतलब ये तो खैर इंदौर है लोग जानते कि हाँ ये रोहित झन्नाट है, ये तो इतने आसपास के लोग जानते हैं इंदौर ऊंचे देवास, कई बार महाराष्ट्र वगैरह उधर चले जाओ यूपी चले जाओ और ऐसे लोअर टी शर्ट में ऐसे पहुंच जाओ तो लोग समझते नहीं कि कवि है, कितने तो टेंट वाला समझ लेते हैं। आदरणीय नागर साहब के साथ गया बुरहानपुर कवि सम्मेलन में, अब वो आयोजक गाँव का था, बुरहानपुर के पास किसी कोई गाँव में था कार्यक्रम 7-1.5 साल पहले, वो दूसरी लहर के बाद भी था प्रोग्राम, तो हम लोग पहुंचे इनकी कार से, अब मैं पहुंचा जैसे आदरणीय उतरे और अंदर चल गए चढ़ाव चढ़ करके आयोजक के घर में, तो इन्होंने बोला आवाज आ रहा है बेटा वो बैग मेरा भी लिया, मैंने कहा हाँ 2 मिनट आया मैंने, मैं चप्पल पहनी बैग लिया कार में तो आने लगा, अब ये तो अंदर पहुंच गए मैं थोड़ा पीछे रह गया उस बैग के चक्कर में, अब मैंने चप्पल उतारी लोअर टीशर्ट में से 8-10 घंटे का सफर में यार, तो मैं लोअर टीशर्ट में चढ़ने लगा चढ़ाव आयोजक के अंदर घर में घुसने के लिए, तो वो आयोजक अंदर से बाहर निकला और मेरे को चिल्ला के बोला कि तेरे में 8 बजे 3 नादी का और बोला था वो का है, और मैंने कहा भाई साहब बोला था तकिया भी लेके आ, कैसे सुड़ान मार नहीं तकिया लेके आ, मैंने कहा भाई साहब और बोला चक्कर कितनी लगती है और दूसरी लेके आ, और मैंने कहा भाई साहब इतनी देर में नागर साहब अंदर से बाहर निकले, अरे बोलो मेरा बाप वो कवि है मेरा टेंट वाला थोड़ी है। कई बार घटनाएं कैसी घटती है, मैं अभी पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में गया था, हम लोग 3 कवि और साथ में कवित्री, अगर ये सब बड़े बड़े दिग्गज कवि बैठे हुए हैं, अंकल जी का तो नाम भी दिग्गज है, ये बड़े बड़े विख्यात कवि है, सब कल्पना के कवि है, मैं विडम्बना का कवि हूँ, मेरे साथ विडम्बना घटती है। भाई साहब हम लोग 3 कवि और साथ में कवित्री, हम लोग जैसे पहुंचे वहाँ ग्वालियर कवि सम्मेलन में, जैसे पहुंचे तो आयोजक मंडल ने स्वागत करा, बैठो साहब, हम लोग बैठे और बात शुरू करोगे हमको 5 मिनट भी नहीं हुए,
और बात शुरू करते हुए थोड़ी देर हुई भी नहीं हुई अब करो मैडम ने जो है कवित्री थी उन्होंने आयोजक मंडल में से दादा थे उनको चाटा खींच के मार दिया। अब हम लोग सुन रहे हो यार मैडम चाटा क्यों मार दिया? अरे बोले बात ही इसी कर रहा है। मैंने कहा हुआ क्या चाटा क्यों मार दिया? अरे बोले बात ही इसी कर रहा है। मैंने कहा हुआ क्या चाटा क्यों मार दिया? अरे बोले रोहित जी तुम्हारी तरफ इशारा करके मेरे से पूछ रहा था मैडम आपका बच्चा बड़ा सुंदर ये भी कहा मनुष्य को बनाया जब वन्य प्राणी जल तल जलचर थलचर इन सबको बनाया ठीक है लेकिन जब मनुष्य को बना तो भगवान बड़ा प्रसन्न हुआ क्या मैंने एक विचित्र प्राणी बनाया मनुष्य बनाया लेकिन जब मेरे को बनाया तो भगवान ठाका लगा के हंसा बोलो मजा आ गया। तो किसी ने पूछा साइड में भगवान क्या बात है आप ठाका लगा के हंस रहे हो तुमने जो बात कही उसमें मजे ना रखता है भगवान बोले मजा आ गया बोले क्यों क्या हो गया भगवान आपने तो इतना सारा मनुष्य बनाया एक को बनाने में इतना आराम देख तो सही मटेरियल जरा सा लगा लेकिन आइटम कितना जोरदार तो ये विचित्रता है मेरे जीवन में। अच्छा मेरे नुगई एकमात्र है हाँ ऐसा बताना पड़ता बहुत सारे लोग डबल डबल तो मजा आ गया चेहरे को भी बेटा ये मेरे को देख देख के खुश हो रही है कह रहे बूढ़े बूढ़े बहुत सारे हैं बड़े उम्र के भैया भैया भी भैया बोले अपने साइज का ही छोरे छोरे मेरे को मेले के कार्यक्रम होते तो उनको देख देख के वो खुश होते हैं ये अपनी कैटेगरी का है। तो मेरे लुगाई भी बड़े प्रसन्न रहती है मैं यत्र तत्र आधी रात को इधर उधर रोता फिरता हूँ कभी सम्मेलन में जाता रहता हूँ लेकिन उसको कोई टेंशन नहीं रहता वो बेफिक्र रहती है उसको विश्वास क्योंकि विकी में उसको मालूम है कि मेरा आदमी भले ही चिकना है पर चालू नहीं है कलर ऐसा है तो क्या हुआ लेकिन ईमानदारी का जीवन। अभी आप बताओ मैं आपको ऐसी घटना ये छोड़ रही हूँ अभी हम लोगों ने खाचरों में कभी सम्मेलन करा अब वहाँ माता जी के वह चैत्र नवरात्रि का कार्यक्रम हम पहुंचे तो वहाँ माता जी की मूर्ति रखी मंच के पास में तो आदरणीय बोले बोले कि चलो पहले माँ के दर्शन कर ले मैंने कहा ठीक है सर तुम वहाँ गए वहाँ वहाँ पढ़ने माता जी के तो वहाँ कोई भाभी जी होगी बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे मैंने कहा अच्छे बात है संस्कार है यहाँ भारत के तो वहाँ पढ़े तो बच्चों को इशारा कर रहे बोले मम्मी मम्मी तो वो हटा रही और चुप कर रही मुँह चबोत रही चुप होता फिर वो मुँह हटा रहे हाथ हटा रहे फिर बोले इशारा कर रहे फिर कुछ बोला तो वो फिर मुँह चबोत रही चुप हो जा मेरे को बड़ा बेकार लगा यहाँ भाभी जी गलत बात है बच्चों का तो बोलने दो बच्चा बोलेगा जब तो उसका विकास होगा बहुत ही विकास हो तुम रोक रही मैंने कहा बच्चे को बोलना तो बोलेगा जब तो विकास होगा तो भाभी जी क्या बोले अरे बोले भैया विकास गया बाहर में ये तो यूं बोल रहे हैं कि मम्मी मम्मी वो माता जी के नीचे जो राक्षस पड़ा है ना वो पापा जैसा दिख रहा है। ये स्थिति मतलब इनकी विचित्रता है इनको आप छेड़ नहीं सकते ये यत्र तत्र हास्य कहीं ना कहीं प्रकट अचत हास्य कहाँ ढूंढो पर इग्नोर करो मालवा का आदमी अपने आप में हासिल साथ में लेकर के चलता है जैसे ठेले पे लेकर चल रहा यत्र तत्र सत्य के और इंदौर का आदमी वो होता है जिसको आपने ऑब्जर्व किया होगा भाई साहब मैं एक माइनर ऑब्जर्वेशन आपको दे रहा हूँ आप इसको दक्षिण अफ्रीका तक लेकर के जाना हाँ क्योंकि मैं तो जा नहीं पा रही हूँ आप ही लेकर जाना। इंदौर का आदमी ऐसा होता है कि वो खुद की परवाह नहीं कर रहा दूसरे की चिंता ज्यादा कर रहा दूसरे की परवाह ज्यादा कर रहा क्या बात है यार रमेश जो है यार तुम्हारे गैस पे टन के तीन दिन होगा अभी तक नहीं है तो क्या देना देना यार लेकिन परवा दूसरे की ज्यादा उनके पापा जी तो दूसरे लहर में गए थे कि पहली लहर में गए थे अरे तेरा बाप कौन सी लहर में गया वो तो ध्यान रखते दूसरे के पापा जी लेकिन मैं ऑब्जर्वेशन देता हूँ कि इंदौर का आदमी वो होता है जो खुद की नहीं दूसरे की चिंता करेगा जो इंदौर का आदमी वो होता है जो एक हाथ से बाइक चला रहा है मोटरसाइकिल चला रहा है दूसरे के हाथ दूसरे हाथ से उसने आटे की पोटली पकड़ रखी है मुंह में गुटका चल रहा है कान में विमल बिल्कुल मुंह में बढ़िया मुंह में विमल का गुटका गच्चा गच चल रहा है कान में मोबाइल रखा और छोटे छोटे बात करे जा रहा है इतनी सब कुछ व्यस्तता होने के बावजूद भी वो दूसरे को राय देना नहीं भूलता भाई साहब साइड